वेलकम गाइस, आज मैं आप लोगों को कोरोना टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगी, जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। और मेरे पास फिर जाए कोरोना टेस्टिंग के उसको बोलते हैं और कैसे करना है, और वो मैं आपको तरीका है जिसके लिए मैं आज बताऊँगी। हो गया, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और ये है हमारे पास एक सैम्पलिंग स्वैब है जो कि हम नोज में या माउथ में कर सकते हैं। और सबसे पहले इसको खोलते हैं। इसको हम खोलेंगे पहले, और ये कुछ इस तरह की दिखती है, इस तरह की है। और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है या जिसका भी टेस्ट करना है, वो जो फ्रंट साइड पे, ये आप देख सकते हैं वीडियो में, फ्रंट साइड से इसको नोज में या अपने माउथ में डालिएगा और इसको ज़रा घुमाएगा, या उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। सो अब हमारे पास एक ये है और ये है लिक्विड फ्लूइड, जिसके अंदर हम वो जो स्वैम है वो डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से टेस्ट की रिजल्ट आती है। ठीक है, चलो। सो अब हमें इनका टेस्ट करना है कि कोरोना का टेस्ट कैसे इनका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है। उससे पहले ये वाला खोलेंगे, इस शेप में इसको खोलना है। और इसके अंदर हम ये पोर कर देंगे। साइड पर रखते हैं, और ये जो लिक्विड है, यू कैन सी दैट लिक्विड इसके अंदर है। और अब हम वो जो है इनका टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ के अंदर डालें, अब नोज के अंदर डालें, जुबान के साथ लगाएं पीछे की तरफ। अब ये नाक के अंदर डालें, हाँ जी, अंदर डालें ना, और अंदर ले जाए थोड़ा। हो गया, डू इट अगेन। अब दोबारा से जरा करें, सांस बाहर की तरफ निकालें, ब्रीथ आउट आगे, नाक से निकालें आगे तरफ। और अब मैं ये ही आगे करती हूँ, तुम यहाँ कैमरा। अब इसके अंदर उल्टा करके डाल दें, हाँ ऐसे डाल दें। चलिए, आज अब ये मैंने मास्क पहन लिया है, और ये हम इसके अंदर थोड़ा सा थोड़ी देर ये लिक्विड के अंदर घुमाएंगे। हमारे पास ये है टेस्ट ट्यूब, जिससे पता चलेगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने इससे पता हो गया, अच्छा जी। अब यह अभी ये लाइन जा रही है लिक्विड की, लिक्विड टेस्ट हो रहा है इस लाइन के थ्रू, जिससे हमें इंस्टेंट रिपोर्ट मिलेगी कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
हमें लिक्विड इस साइड पे डालना होता है, ये जो ऊपर वाली साइड है जिसपे एस लिखा हुआ है। चले अब ये लिक्विड फुल लाइन इस लाइन तक पहुंच चुका है। अब इसके बाद एक सिंगल लाइन लगती है, इन केस अगर कोरोना नहीं है तो सिंगल लाइन लगेगी, और अगर कोरोना है किसी की रिजल्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पर डबल लाइन लगेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें लिक्विड इस साइड पे डालना होता है, ये जो ऊपर वाली साइड है जिसपे एस लिखा हुआ है। चले अब ये लिक्विड फुल लाइन इस लाइन तक पहुंच चुका है। अब इसके बाद एक सिंगल लाइन लगती है, इन केस अगर कोरोना नहीं है तो सिंगल लाइन लगेगी, और अगर कोरोना है किसी की रिजल्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पर डबल लाइन लगेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल लाइन लग चुकी है। ये एक सिंगल लाइन है जो कि आप देख सकते हैं सी के करीब, सी के साथ एक सिंगल लाइन लग चुकी है। अभी तक तो नेगेटिव ही है, अगर यहाँ पे डबल लाइन लगेगी तो इसका मतलब है रिजल्ट पॉजिटिव है। लेट्स वेट, थोड़ा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो टी के साथ भी एक और इसी तरह की लाइन लग जाएगी जैसे कि सी के साथ लगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये अभी भी सिंगल लाइन आई है सी के साथ, टी के साथ कोई लाइन नहीं आई, इसका मतलब है रिजल्ट नेगेटिव है।